हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू जेके एस एस पी तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो रहने वाला है जे एंड के टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे 50 प्लस क्वेश्चन जो हैं इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बने रहिए वीडियो में एंड तक तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने है क्या है विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज फेमस फॉर इट्स टेम्पल जम्मू एंड कश्मीर का कौन सा रीजन है जो कि टेम्पल्स के लिए फेमस है ऑप्शन हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख ऑल ऑफ डीज तो क्या है इसका करेक्ट आंसर दैट इज जम्मू रीजन ठीक है जम्मू रीजन इज फेमस फॉर इट्स टेम्पल्स इन जे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर टू विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज फेमस फॉर इट्स वैलीज अब बताना है कि जे एंड के का कौन सा रीजन है जो कि वैलीज के लिए फेमस है ऑप्शन हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख नन ऑफ द अबव तो करेक्ट आंसर है इसका कश्मीर ठीक है कश्मीर रीजन जो है वो फेमस है फॉर इट्स वैलीज सो so ऑप्शन बी करेक्ट आंसर कम टू क्वेश्चन नंबर थ्री विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज फेमस फॉर इट्स मोनेस्ट्रीज एंड गोम्पास जेएनके का कौन सा रीजन है जो कि मोनेस्ट्रीज और गोम्पास के लिए फेमस है ऑप्शंस हैं कश्मीर जम्मू लद्दाख ऑल ऑफ दीज तो कौन सा रीजन है वो वो है लद्दाख रीजन ठीक है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर द विंटर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज ऑप्शन हैं दराज बारामूला कठुआ जम्मू क्या है इसका करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन डी जम्मू क्वेश्चन नंबर फाइव अखनूर फोर्ट इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अखनूर फोर्ट जे एंड के की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है बताना है ऑप्शंस हैं करगिल ले श्रीनगर जम्मू तो जो अखनूर फोर्ट है वो कहाँ है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्स अमर महल पैलेस इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर अमर महल पैलेस जो है कौन सी रिवर के बैंक पे है ऑप्शन हैं तवी रिवर रावी रिवर चिनाव या फिर इंडस तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए ये है तवी रिवर पे ठीक है सो ऑन द बैंक ऑफ तवी रिवर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर कम टू क्वेश्चन नंबर सेवन द लास्ट रेजिडेंस ऑफ डोगरा किंग्स वॉज ठीक है डोगरा किंग्स जो है उनका लास्ट रेजिडेंस क्या था ऑप्शन हैं ए मुबारक मंडी पैलेस कंप्लेक्स ऑप्शन बी अमर महल पैलेस सी अखनूर फोर्ट डी नन ऑफ द अबव तो क्या है इसका करेक्ट आंसर दैट इज अमर महल पैलेस ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन में इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर एट है बलिदान स्तंभ बाज कंस्ट्रक्टेड इन विच ईयर बताना है बलिदान स्तंभ जो है कौन से ईयर में कंस्ट्रक्ट हुआ है ऑप्शन है सेवनटीन हंड्रेड सेवन एटीन हंड्रेड नाइनटीन हंड्रेड नाइन्टी टू थाउजेंड एट तो करेक्ट आंसर इसका यही है टू थाउजेंड एट बलिदान स्तंभ वाज कंस्ट्रक्टेड इन टू थाउजेंड एट ऑप्शन डी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन है बावे वाली माता टेम्पल्स इज लोकेटेड इन बताना है बावे वाली माता टेम्पल जो है वो कहाँ पे है ऑप्शन हैं बाहू फोर्ट पत्नी टॉप अखनूर फोर्ट अमर महल पैलेस तो क्या है इसका करेक्ट आंसर दैट इज़ बाहू फोर्ट ऑप्शन ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर टेन है भद्रवा वैली टाउन इज लोकेटेड इन कहाँ पे है भद्रवा वैली टाउन ऑप्शन हैं जम्मू डोडा बारामूला श्रीनगर तो क्या है इसका करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन बी डोडा में है भद्रवा वैली टाउन सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर इलेवन है विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट प्लेस ऑल्सो नाउन एज मिनी कश्मीर ठीक है इनमें से कौन सी टूरिस्ट प्लेस है जिसे मिनी कश्मीर भी कहा जाता है ऑप्शन हैं ए भद्रवा सरासर पत्नी टॉप नन ऑफ द अबव तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का जो है वो है ऑप्शन ए भद्रवा जो है उसे मिनी कश्मीर भी कहा जाता है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व गुरुद्वारा सुंदर सिंह इज लोकेटेड इन गुरुद्वारा सुंदर सिंह जो है वो कहाँ पे है ऑप्शन है जम्मू डोडा कठुआ श्रीनगर करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए जम्मू में है गुरुद्वारा सुंदर सिंह ठीक है सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टीन है द ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट मस्जिद ऑफ जम्मू डिस्ट्रिक्ट जम्मू डिस्ट्रिक्ट की पुरानी और बड़ी मस्जिद कौन सी है इनमें से ऑप्शन हैं जामा मस्जिद चश्मे शाही हज़रतल मस्जिद नन ऑफ द अबव तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जामा मस्जिद जो है वो ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट मस्जिद है जम्मू डिस्ट्रिक्ट की ऑप्शन ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फोरटीन है द मैनेजमेंट ऑफ द वैष्णो देवी श्राइन इज एडमिनिस्ट्रेड कंट्रोल्ड बाई बताना है जो मैनेजमेंट है वैष्णो देवी श्राइन का वो किसके द्वारा कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है ऑप्शन हैं वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट द स्टेट गवर्नमेंट बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट तो ये किया जाता है है वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है मुबारक मंडी पैलेस कंप्लेक्स वॉज बिल्ट वाई बताना है कम्प्लेक्स जो है वो किसके द्वारा बिल्ट किया गया है ऑप्शन हैं गुलाब सिंह ध्रुव देव हरी सिंह नन ऑफ द अबव तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ध्रुव देव ऑप्शन बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है विच टेम्पल इज नाउन एज द रुपये वाला मंदिर इन जम्मू सिटी जम्मू सिटी में कौन सा मंदिर है जिसे रुपए वाला मंदिर कहा जाता है ऑप्शन हैं रघुनाथ टेम्पल पंचवक्तर टेम्पल रणवीरेश्वर टेम्पल या फिर मार्टन सन टेम्पल तो कौन सा टेम्पल है वो है पंचभर टेम्पल जिसे रूपे वाला मंदिर भी कहा जाता है सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन है पत्नी टॉप हिल रिजॉर्ट इज लोकेटेड इन बताना है पत्नी टॉप हिल रिजॉर्ट कहाँ पे है ऑप्शन हैं उधमपुर डोडा जम्मू श्रीनगर करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए ये है उधमपुर में सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर एटीन है द हाइट ऑफ पत्नी टॉप हिल रिजॉर्ट इज अबाउट पत्नी टॉप हिल रिजॉर्ट की जो हाइट है वो कितनी है लगभग ऑप्शन है फाइव हंड्रेड मीटर इलेवन हंड्रेड मीटर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर मीटर या फिर थ्री थाउजेंड मीटर तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर मीटर ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है पीरखो टेंपल टेम्पल इज लोकेटेड इन बताना है पीरखो टेंपल टेम्पल जो है वो कहाँ पे है ऑप्शन से श्रीनगर जम्मू कारगिल या फिर ले करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी जम्मू में है पीरखो टेंपल टेम्पल सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है परमंडल टेम्पल इज लोकेटेड इन बताना है परमंडल टेम्पल कहाँ पे है कहाँ पड़ता है ऑप्शन है सांबा डोडा किश्तवाड़ श्रीनगर करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए ये पड़ता है सांबा में सो so, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है रघुनाथ जी टेम्पल वॉज विल्ट बाय बताना है ये जो मंदिर है किसके द्वारा बनाया गया है ऑप्शन है गुलाब सिंह ध्रुवदेव महाराजा रणजीत सिंह या फिर नन ऑफ द अब तो करेक्ट आंसर है महाराजा रणजीत सिंह द्वारा जो है विल्ट किया गया है रघुनाथ जी टेम्पल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है रणवरेश्वर टेम्पल इज डिवोटेड टू विच डाइटी बताना है कौन से देवता को रिवोटिड है रणवरेश्वर टेम्पल ऑप्शंस हैं लॉर्ड विष्णु लॉर्ड कृष्णा लॉर्ड शिवा या फिर गोडेस पार्वती करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी ये है लॉर्ड शिवा को रिवोटेड सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री है थन्ना मंडी इज लोकेटेड इन बताना है कहाँ पड़ती है थन्ना मंडी ऑप्शन है डोडा किश्तवाड़ राजौरी करगिल करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी राजौरी में है सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है डोगरा आर्ट गैलरी इज लोकेटेड इन डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ पे है ऑप्शन हैं जम्मू श्रीनगर डोडा सांबा करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए जम्मू में ही है डोगरा आर्ट गैलरी सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव है अमरनाथ केव इज डेडिकेटेड टू विच डाइटी बताना है कौन से डाइटी को डेडिकेटेड है अमरनाथ केव ऑप्शंस हैं लॉर्ड शिवा लॉर्ड विष्णु लॉर्ड रामा लॉर्ड कृष्णा तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स है द अमरनाथ यात्रा इज ऑर्गेनाइज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बताना है अमरनाथ यात्रा जो है इनमें से किसके द्वारा जो है ऑर्गेनाइज की जाती है ऑप्शन हैं स्टेट गवर्नमेंट श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड या फिर बोथ ए एंड बी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा तो करेक्ट आंसर इसका जो है वो है ऑप्शन सी ये बोथ स्टेट गवर्नमेंट एंड श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा जो है वो ऑर्गेनाइज़ की जाती है सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन है द टू टेम्पल्स अवंतीश्वरा एंड अवंती स्वामी आर लोकेटेड इन बताना है ये जो दो मंदिर हैं ये कहाँ पे पड़ते हैं ऑप्शन से डोडा अवंतीपोरा बुडगांव या फिर श्रीनगर तो अवंती से ही पता लग रहा है ये अवंतीपोरा में है सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट है चश्मे शाही इज लोकेटेड इन बताना है कहाँ है श्रीनगर में बुड़गांव बारामूला या फिर ले में तो चश्मे शाही जो है वो है श्रीनगर में सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन है चरारी शरीफ श्राइन इज लोकेटेड इन कहाँ है चरारी शरीफ श्राइन ऑप्शन हैं बुड़गांव कठुआ राजौरी ले तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए ये है बुड़गांव में क्वेश्चन नंबर थर्टी है विच इज़ द एशियाज ओनली हेलीस्किंग रिजॉर्ट बताना है कौन सा है एशिया का ओनली हेलीस्किंग रिजॉर्ट ऑप्शन हैं गुलमर्ग सोनमर्ग पहलगाम या फिर ले तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए गुलमर्ग क्वेश्चन नंबर थर्टी वन है द वर्ल्ड हाइएस्ट गोल्फ कोर्स इज लोकेटेड इन ठीक है दुनिया का हाइस्ट गोल्फ कोर्स जो है वो कहाँ पे पड़ता है ऑप्शन हैं गुलमर्ग पहलगाम सोनमर्ग या फिर ले में तो ये है गुलमर्ग में सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी टू है हजरत बल मस्जिद इज लोकेटेड एट कहाँ है हजरत बल मस्जिद श्रीनगर जम्मू बारामूला डोडा करेक्ट आंसर है श्रीनगर सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी टू है विच इज़ द गेट वे ऑफ द फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ डचीगम इनमें से कौन सा है गेट वे ऑफ फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डचीगम ऑप्शन हैं हरवान गार्डन शालिमा बाग निशात बाग नन ऑफ द एबव करेक्ट आंसर है इसका हरवान गार्डन ठीक है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर है हरी पर्वत फोर्ट वॉज फर्स्ट बाय ठीक है हरी पर्वत फोर्ट जो है पहले किसके द्वारा बनाया गया था ऑप्शन है अकबर जहांगीर शाहजहां या फिर नन ऑफ डैम करेक्ट आंसर है इसका अकबर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव है विच फोर्ट हैज़ शरीका टेम्पल ऑप्शन हैं बाहू फोर्ट अखनूर फोर्ट आमर महल पैलेस या फिर हरी पर्वत फोर्ट करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी हरी पर्वत फोर्ट ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स है जामा मस्जिद इन श्रीनगर वॉज विल्ट इन ए डी फोर्टीन हंड्रेड बाई बताना है किसके द्वारा ये विल्ट की गई थी ऑप्शन हैं औरंगजेब सुल्तान सिकंदर बाबर या फिर नन ऑफ दम करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए ये की गई थी औरंगजेब द्वारा सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन है खानका ऑफ शाह हमदान इज़ डिवोटी टू बताना है ऑप्शन है मीर साहिद अली हमदान निज़ामुद्दीन उलिया सुल्तान सिकंदर नन ऑफ द अबाव तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए है मीर शहीद अली हमदान ठीक है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी एट है मार्टन टेम्पल है लॉर्ड रामा लॉर्ड सूर्य गॉडेस महाकाली या फिर लॉर्ड शिवा तो ये डेडिकेटेड है लॉर्ड सूर्य का सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन है निशांत बाग इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ बताना है डल लेक बुलर लेक नागिन लेक या फिर नन ऑफ द एबव तो ये है डल लेक पे ठीक so, है सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टी है द सेकेंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन ऑफ कश्मीर इज बताना है दूसरा बड़ा मुगल गार्डन कश्मीर में कश्मीर का कौन सा है ऑप्शन है निशांत बाग शालीमार बाग टुलिप गार्डन या फिर नन ऑफ डीज तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए निशांत बाग ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन है वाइसरन वैली वेताब वैली अरू वैली आर लोकेटेड इन ये जो वैलीज हैं ये कहाँ पे पड़ती हैं ऑप्शन है गुलमर्ग सोनमर्ग पहलगाम या फिर ले करेक्ट आंसर है इसका पहलगाम में so, C, है सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू है विच प्लेस इज़ नाउंड एज कश्मीरी वंश कौन सी जगह को कश्मीरी वंश कहा जाता है ऑप्शन हैं सोनमर्ग श्रीनगर पहलगाम या फिर जम्मू करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी श्रीनगर को ऑप्शन बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री है विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बताना है जे एंड के की दूसरी बड़ी लेक कौन सी है ऑप्शन है डल लेक बुलर लेक तसोमरी लेक एंड नन ऑफ दीज तो करेक्ट आंसर है इसका डल लेक ऑप्शन ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर है द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इंडिया की कौन सी है पेंगोंग लेक मोरी लेक बुलर लेक डल लेक तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी बुलर लेक क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव है द लार्जेस्ट टूलिप गार्डन इज़ लोकेटेड इन बताना है लार्जेस्ट टूलिप गार्डन कहाँ है ऑप्शन है डोडा किश्तवाड़ श्रीनगर बुढ़गांव तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी श्रीनगर में है सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स है द लार्जेस्ट मुगल गार्डन ऑफ कश्मीर वैली इज़ कश्मीर वैली का लार्जेस्ट मुगल गार्डन कौन सा है ऑप्शनस है शालीमार बाग निशांत बाग हरवान गार्डन नसीम बाग तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए शालीमार बाग क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन है विच इज़ आल्सो नाउन एज गोल्डन मियाडो ऑप्शन हैं गोल्डन मियाडो किसे कहा जाता है ऑप्शन हैं सोनमर्ग पहलगाम ले गुलमर्ग तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए ही है सोनमर्ग को कहा जाता है गोल्डन मियाडो क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट है तत्ते सुलेमान इज लोकेटेड इन द बताना है तत्ते सुलेमान कहाँ है ऑप्शन हैं साउथ ईस्ट ऑफ श्रीनगर वेस्ट ऑफ ले साउथ ऑफ़ किश्तवाड़ नन ऑफ द अबाव तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है साउथ ईस्ट ऑफ श्रीनगर में ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन है अल्छी मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन ऑप्शन हैं ले कागिल बारामूला सांबा करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए ये है ले में क्वेश्चन नंबर फिफ्टी है विच मोनेस्ट्री इज द बिगेस्ट एंड रिचेस्ट मोनेस्ट्री ऑफ लद्दाख रीजन ठीक है इनमें से कौन सी मोनेस्ट्री है जो कि बिगेस्ट एंड रिचेस्ट मोनेस्ट्री है लद्दाख रीजन की ऑप्शन है अल्छी हैमिस स्पीटुक शे करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी हैमिस ठीक है दैट्स ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर जिसमें हमने फिफ्टी क्वेश्चन जो हैं वो जे एंड के टूरिस्ट डेस्टिनेशन से रिलेटेड यहाँ पे देखे आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर एंड कमेंट चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू हैव अइसडे